देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 वर्ग समीकरण के बारे में। इसमें आप वर्ग समीकरण पढ़ोगे एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ के एक पूर्णांक दिया है, के रूप में समीकरणों का हल करेंगे। देखिए ये होता है व्यापक वर्ग समीकरण का। कोई भी आपकी वर्ग समीकरण हो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। देखिए अभी तक आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी को हम ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें चैप्टर खोलते हैं जो जैसे है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। चलिए पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। आज हम इस वीडियो में लगभग लगभग ये 16 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आज वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी स्टार्ट करते हैं, पहला इसमें स्टार्ट करूँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया है स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। देखिए अचर राशि और चर राशि, इसमें जो अचर पद होता है उससे एक साइड रखते हैं, ठीक। उसके बाद में 0, 49 इधर माइनस का है, इधर आकर हमने इसको प्लस का बना लिया, तो ये हो जाएगा इसमें जोड़ा 49 एक्स बराबर, हम 49 का रूट निकालेंगे तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 7। फिर दूसरा क्वेश्चन है 16 एक्स की पावर 2 माइनस 9 बराबर 0। इसको कैसे लिखेंगे, 16 एक्स की पावर 2 बराबर 0 माइनस तदर आकर ये प्लस हो गया 9, 16 एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 9 ऐड करो 9 एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटे 16 एक्स बराबर, ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ किया था, रूट लगाया था ना यहाँ पर, ऐसे मैं आया करूँगा तो एक्स बराबर 3 3 9 416 प्लस माइनस 4। उसके बाद में ये क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 प्लस बी, ए स्क्वायर बराबर 0 में बी जोड़ो, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी बटा में ए इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर बी प्लस ए का भी ऐसे रूट करेंगे, इसके नाम से रूट लगाते हैं, तो एक्स बराबर होगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस बी बटे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर ए। देखिए अभी क्या है, ये भिन्न में है, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 की मल्टीप्लाई से की है 9 × 9 एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये 4 नीचे बटों में आया, एक्स बराबर 9/4 का रूट, तो प्यारे बच्चों लिखिए कि 3 3 9 2 2 4 प्लस माइनस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यू हैव आपका 64 पी की पावर 2 है बराबर 25, पी स्क्वायर बराबर 25, ये इधर था इसे नीचे ले गए, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा पी बराबर 25/64 का रूट, पी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस 5 5 25 68 64, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि 5y = 20, वाई स्क्वायर बराबर देखिए 20, ये 5/2 में आया, वाई स्क्वायर बराबर 5 से काटा 20 चार बार, वाई बराबर 4 का रूट किया, प्यारे बच्चों ये आ जाएगा प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसमें दे रखा है 7x^2 = 8, प्यारे बच्चों से करिए बराबर 8/7 एक्स बराबर 8/7 का, इसको ऐसे रख देंगे, क्यों तो रखेंगे, क्योंकि 8 का कोई भी हम वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, न ही हम 7 का वर्गमूल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 5x^2 = x^2+1। देखिए प्यारे बच्चों इसमें आप लोग धोखा खा सकते हो, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे,
देखो यहाँ भी पहले बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, क्या कर लेते हैं ये समान राशि वाले इनको हम घटा लेते हैं, इधर प्लस क्या है इधर आगे माइनस कहेंगे बराबर एक, पाँच में से एक गया क्या बचेगा चार एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे चार, एक्स बराबर एक बटे चार का हम क्या करेंगे इस काम रूट निकालेंगे प्लस माइनस एक एक कम एक दो दिन चार ये हो गया। क्वेश्चन नंबर नौवा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक्स बराबर चार बटे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर चार, एक्स बराबर वही चार का रूट एक्स बराबर प्लस माइनस दो। क्वेश्चन नंबर दसवा देख लेते हैं, एक्स बटे पाँच माइनस पाँच एक्स बराबर जीरो, देखिए इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसकी इसमें करेंगे एक्स की पावर दो पंजे पंजे पच्चीस बटे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पाँच एक्स बराबर जीरो आएगा, एक्स की पावर दो माइनस पच्चीस बराबर पाँच गुना जीरो में करेंगे जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा जीरो प्लस पच्चीस हो जाएगा जीरो में पच्चीस छोड़ो पच्चीस हो गया, एक्स बराबर इसको डालने के लिए ऐसे कर देते हैं इसको रूट लगा देते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस पंजे पंजे पच्चीस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है स्टार्ट कर दो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो पे प्लस का था माइनस का हो गया है, ए एक्स स्क्वायर घटाएगी माइनस सी तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे माइनस ए, माइनस सी हमने माइनस को कैंसिल कर दिया एक्स बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस रूट सी बटे ए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस अट्ठारह बराबर जीरो, इसको करेंगे तो क्या करेंगे टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीरो में अठारह इधर हम जोड़ देंगे, टू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो में अठारह जोड़कर अठारह आया, एक्स स्क्वायर बराबर अठारह इसके बटो में आ गया दो, एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा दो नम अठारह एक्स बराबर नौ कम रूट निकालेंगे हो जाएगा प्लस माइनस तीन तीन नौ ये तीन आ गया। देखिए पहले बच्चों ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर चार बराबर नौ कैसे करेंगे देखो बटो में तो उसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं बराबर चार नीम छत्तीस, एक्स बराबर इसके नाम का रूट लगा दिया एक्स बराबर प्लस माइनस छत्तीस किसका वर्ग मूल होता है ये होता है छः का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है चौदह क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है एक्स बटे ए माइनस ए बटा एक्स बराबर जीरो, देखिए ये भी बटों में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वन और वन टू एक्स की पावर दो तो माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा दो बटे ए की मल्टीप्लाई एक्स में ए एक्स बराबर जीरो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर देखो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर जीरो में ए स्क्वायर जोड़ो तो ए स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे देखिए एक क्वेश्चन हमारा अटपटा है दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्क कर लेंगे दोनों पक्षों का हल तो प्यारे बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ये भी ठीक ही है तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का रूट बस। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पंद्रह हमारी स्क्रीन पर आ चुका है हमारी कॉपी पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो सौ छप्पन बराबर जीरो, देखिए ये कैसे हो गया जीरो माइनस का है इधर आकर दो सौ छप्पन प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो में दो सौ छप्पन ऐड करो दो सौ छप्पन
एक्स बराबर, इसके नाम को हमने रूट लगा दिया 256, प्यारे बच्चे हो गया एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस, ये 16 का वर्ग है 256 आ गया। क्वेश्चन है 0.04 एक्स की पावर 2 माइनस 0.25 बराबर 0 बराबर, इसके माइनस का इधर आके प्यारे बच्चों ये हमने प्लस में ले लिया, 0.04 एक्स की पावर 2 बराबर इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे लिख के जाएगा। इसके बाद में क्या लिखेंगे देखिए, इधर इसको जो संख्या आया है इसको हम बटो में लिख लेते हैं 0.04, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 25/4, एक्स बराबर प्यारे बच्चों 25/4 का रूट, एक्स बराबर प्लस माइनस 5/4। तो प्यारे बच्चों आपने देखा हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन हल किए हैं इस प्रश्नावली के। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।